नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए इसकी त्वरित पहचान और बचाव के लिए प्रदेश में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दूसरे देशों की यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वालों की स्क्रीनिंग और आवश्यक जांच की पुख्ता व्यवस्था कर उनकी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिदिन सैंपल जांच की संख्या बढ़ाने को कहा। श्री सिंहदेव ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी अस्पतालों में उपकरणों और मशीनों का समुचित रखरखाव करते हुए चाक चौबंद व्यवस्था रखने को कहा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में बताया कि सभी कलेक्टरों को नए वेरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के तीनों हवाई अड्डों रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हेल्प डेस्क स्थापित कर विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग, कोविड 19 जांच रिपोर्ट, टीकाकरण तथा भारत आने के बाद क्वारंटाइन एवं कोरोना के लक्षण संबंधी जानकारी लेते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्हें स्वास्थ्य विभाग के राज्य सर्विलांस इकाई से समन्वय कर प्रतिदिन विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कराने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्ला ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत आने के बाद अपनी 7 दिनों के क्वारंटाइन अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें 7 दिनों के होम क्वारंटाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। इन व्यक्तियों के 8वें दिन RT-PCR जांच कराने और रिपोर्ट के धनात्मक आने पर सैंपल को WGS जांच के लिए भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। नए वेरिएंट की पहचान एवं निगरानी के लिए रोज हर जिले को RT-PCR जांच में धनात्मक आने वाले कम से कम 5% सैंपलों को WGS जांच के लिए भेजने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने और यथाशीघ्र 100% लक्ष्य हासिल करने के साथ ही कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।